अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम पाकिस्तान और मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हर वक्त लाते रहें, शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के लिए ईद के मौके पर बड़ी खुशखबरी ये है कि कैनेडा में मुनक्कद होने वाले ग्लोबल T20 कैनेडा इवेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स छाए रहे। फाइनल मैच जो ब्रैम्पटन में 11 अगस्त 2019 एतवार को खेला गया वैनकूवर नाइट्स और विनिपेग हॉक्स के दरमियान, इसमें दोनों साइड्स के बल्लेबाजों में जो दोनों नुमाया बल्लेबाज और टॉप स्कोरर रहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, एक ही शहर शहर इकबाल यानी सियालकोट से। तो इस लिहाज से जब पूरी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी दोनों साइड से खेल रहे थे तो पाकिस्तान के लिए और सियालकोट के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि ग्लोबल T20 कनाडा के फाइनल में टॉप स्कोरर शाइमन अनवर भट्ट ने धुआंधार बल्लेबाजी की, सिर्फ 45 गेंदों पर 90 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से, और यूं विनिपेग हॉक्स का स्कोर 192 पर पहुंचा। जवाब में वैनकूवर नाइट्स ने भी अच्छा खेला, शोएब मलिक ने 36 गेंदों पर 64 रन बनाए और एंड्री रसल ने 20 गेंदों पर 40 रन बनाकर 192 का हदफ बराबर कर दिया। यूं स्कोर बराबर होने पर सुपर ओवर डिसाइड हुआ और सुपर ओवर में भी यही दोनों खिलाड़ी दोनों साइड से बल्लेबाजी के लिए आमने सामने आए। पहले बैटिंग के लिए वैनकूवर नाइट्स ने 6 गेंदों पर 9 रन बनाए और जवाब में सिर्फ 4 गेंदों पर विनिपेग हॉक्स ने 10 रन बनाकर मैच जीत लिया। याद रहे कि विनिपेग हॉक्स की जीत में जो सबसे बड़ा किरदार रहा वो पाकिस्तानी और सियालकोट खिलाड़ी शाइमन अनवर भट्ट का रहा और वही मैन ऑफ द मैच करार पाए। यूं विनिपेग हॉक्स ने 2019 ग्लोबल T20 का टाइटल अपने नाम कर लिया। और अगर हकीकत में दोस्तों देखा जाए तो ये सारी जीत जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खाते में आती है, पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तानी खिलाड़ी जीते हैं और सियालकोट की जीत हुई है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।